आज मैं आपको कैथोड किरणों के गुण बिल्कुल प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली, ठीक है। देखो कैथोड जो किरणें होती है, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है भैया, ये आप ध्यान से देखो इस वीडियो को, है ना। यहाँ पर देखो इसमें एक ट्यूब बनाया गया है ये, और इस ट्यूब में, ठीक है भैया, यहाँ से देख सकते हैं इसमें कैथोड किरणों को गुजारा जाएगा। तो कौन कौन से गुण इसमें से दिखाई देंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखना है, जैसे इसको करा तो एक तो ये, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, सीधी रेखा में गमन कर रही है, सीधी सरल रेखा में गमन कर रही है, दिख रही है ये रोशनी टाइप गई ना ये, ठीक है, इधर से प्रवाहित की है कैथोड किरणों को। तो भैया बताओ, अब जैसे इसके पास में कोई सा भी हथियार लेके आएंगे, देखो ध्यान से, है ना, तो ये देखो, ये दिख गया, ये समझ में आगे बात नहीं है। कुल मिला के बात क्या, ये सीधी रेखा में गमन कर रही थी, कोई भी वस्तु आएगी इसमें तो ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हुई। दो चीजें हो गई है, क्या है कि ये किरणें सरल रेखा में गमन करती है। एक एक पॉइंटों को ध्यान से देखते जाओ, है ना। तो कैथोड किरणों का पहला गुण यही है, ये किरणें ऋण आवेशित, ऋण आवेशित होती है, ठीक है भैया, गलती से लिख दिया मैंने बात का पॉइंट था, चलो कोई बात नहीं, ऋण आवेशित थी। अपने सबसे शुरू में क्या पढ़ा अपन ने कि ये किरणें सरल रेखा में गमन करती है, ये किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं, ये किरणें ऋणावेशित होती है और ये किरणें क्या करती है, सरल रेखा में गमन करती है। तीसरा बिंदु जो है, यहां पर अपन ने जैसे देखा था इसमें, तो हमने देखा, ध्यान से देखा होगा आपने कि ये सरल रेखा में यहां से गमन कर रही थी, ठीक है। अब जैसे गमन किया जा रहा था तो इसके पास हम कोई सी भी वस्तु लेके आए थे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं अपन, चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित हुई, ठीक है, दिशा मार्ग भटकी, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहां पर कि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। चौथा बिंदु, ये जो अपन ने जब देखा ध्यान से इसमें, तो यहां से देखोगे ना इसको, तो ये क्या है, गतिज ऊर्जा होती है इसमें, इनमें बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है ये, ठीक है, बहुत तेज रोशनी, मतलब ये जो जाने की क्षमता होती है ना, गतिज ऊर्जा इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चौथा बिंदु पर लिख सकते हैं कि इसमें या इनमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है, इनमें क्या होती है, अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। तो ये मैंने आपके सामने कैथोड किरणों के गुण बता दिए, चार गुण बता दिए हमारे क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे इलेवंथ में भी आते हैं, पर ठीक है, नाइन्थ के सिलेबस के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल ही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों का क्या रहता, थोड़ा सा नाइन्थ क्लास वाले बच्चे इतने ज़्यादा क्षमताशील नहीं रहते, हालांकि कमज़ोर नहीं है, ये नहीं बोल रहा मैं, है ना, मैं कह रहा हूँ जैसे इलेवंथ के बच्चे की तुलना में कंपेयर करेंगे तो इनका दिमाग थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा एट्थ क्लास से निकले तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने आराम से समझाया आपको, कोई भी दिक्कत है और बताओ आप, तो बिल्कुल बेधड़क आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।